नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है और काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और अपने डाउट्स धीरे धीरे सभी लोग क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो, मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब तक हम अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, हमारे कन्फ्यूज़न कैसे दूर होंगे, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो मैं भी कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बहुत सर्च करता था कि जो मेरे कन्फ्यूज़न दूर कर दे। मुझे SIP शुरू करनी थी और केवल 1000 रुपये की SIP शुरू करनी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। तो मुझे उस समय ऐसा लगता था कि यार, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे डाउट्स क्लियर कर दे। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, एक ईमानदार कोशिश आप लोगों के लिए करता हूँ कि डाउट्स आपके पूरी तरह से मैं क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूँ। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कीजिए। और रोज़ाना मेरे चैनल पर 2 वीडियोज़ अब आपको देखने को मिल रही है, 1 दोपहर के 2 बजे और 1 शाम के 7 बजे। दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है दोनों में से किसी वीडियो में मैं आपका कमेंट पिक करके उस पर वीडियो क्रिएट कर दूँ। और अगर कोई पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, उसको आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल पर इसको ज़रूर भेजिएगा, वहाँ मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूँगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है, वो कमेंट एक चैनल से आया है, हैप्पी फूड्स 2023 करके इनका एक चैनल है, इन्होंने मुझे कमेंट किया है। और इनका चैनल मैंने देखा भी था, क्योंकि नाम मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा इनका, हैप्पी फूड्स। तो मैंने जाकर चेक किया तो काफ़ी बढ़िया ये वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। अगर जैसे देखिए, जिस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ठीक उसी तरह से ये जानकारी देते हैं कि आपको अपने जो डेली डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। काफ़ी बढ़िया ये डीप नॉलेज अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया काम ये हम सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था टाइमली। तो इनका कहना है कि 45 के हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कौन सा प्लान इनके लिए सूटेबल हो सकता है रिटायरमेंट के लिए, जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पर। देखिए, आपका जो टॉपिक है, आपकी एज अभी 45 की है और आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। इस चीज़ को पहले आप समझिए कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो अभी 15 साल का है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम पीरियड बहुत कम है, तो आप प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेट फंड की तरफ ही जाना पड़े। और देखिए, जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ, वो एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप मानकर चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं प्लान्स में इन्वेस्ट करें। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी प्लान्स अपने चेंज कर सकते हैं। चलिए, सर की जो एज है वो 45 की है। 45 ईयर्स की एज में फाइनेंशियल प्लानिंग अपने रिटायरमेंट के लिए ये करना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट सॉल्यूशंस के नाम से भी आपको फंड्स देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो उसमें इन्वेस्ट करके भी एक अच्छी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको अलग से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, रिटायरमेंट सॉल्यूशन अगर आप ले लेते हैं, उससे आपको एक बेनिफिट मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। उस फंड के सामने रिटायरमेंट नाम जुड़ जाने से एक भाव आपके उसके साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके रिटायरमेंट तक के लिए ही आप उस पैसे को मतलब रिडीम नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा रिटायरमेंट फंड है, मैं इसको रिटायरमेंट पर ही यूज़ करूँगा। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं, तो आप रिटायरमेंट सॉल्यूशंस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान में ही इन्वेस्ट करना, मैं तो नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, दोनों में मेन डिफरेंस ये रहेगा, अगर आप रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। आप अगर SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर SIP 5 साल के लिए लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपली किसी लार्ज कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ इस तरह का लॉक इन नहीं है, वहाँ आप पैसे को रिडीम कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस आपको इनमें ये देखने को मिलता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुछ पैसा अपना रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ पैसा आप डायरेक्टली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों प्लान्स के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये टॉपिक हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 15 साल की ड्यूरेशन है, स्मॉल कैप को कंसिडर किया जा सकता है।
बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, केवल जल्दी जल्दी वीडियो समझाऊंगा आपको, 2000 रुपये महीना। देखिए जल्दी जल्दी शब्द मैंने इसलिए बोला है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। देखिए मैं जब चीज़ें समझाने लगता हूँ ना, मैं सच में आपको बता रहा हूँ, मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जिस तरह से समझाने की मैं चाहता हूँ कि, तो वीडियो 20 मिनट तक भी जा सकती है। लेकिन देखिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको समझने के लिए अगर आप 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करेंगे। इसलिए 10 से 15 मिनट का टाइम बहुत लंबा नहीं है, इसको निकालिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए स्मॉल कैप केवल 2000 रुपये महीना आप रखिए, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो स्मॉल कैप रखना ज़रूर है, केवल 2000 रखिए, एक अच्छा सा फ़ंड चूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ंड कौन सा रख सकते हैं आप SBI स्मॉल कैप को रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप निपॉन इंडिया को रख सकते हैं, केवल 2000 रुपये महीना यहाँ रखने हैं, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान भी बताऊंगा, उसमें भी आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। 2000 रुपये महीना आप यहाँ रखिए, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें एक फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप कौन सा रख सकते हैं, आप रख सकते हैं पराग पारिक। अब देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को ऐड करने का क्या बेनिफिट है, ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। अब जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी है, मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही करना है फंड मैनेजर को, ऐसा सेबी का नियम है। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उसका एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी आप 2000 रुपये महीना रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए जो आपका अमाउंट है SIP का, मैं सोच रहा हूँ 10-11 हज़ार रुपये से ऊपर ना जाए, क्योंकि आपने मुझे, देखिए अमाउंट आपने मुझे कमेंट में नहीं बताया कि कितने रुपए महीना आपको इन्वेस्ट करना है, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लगभग 10,000 रुपये की SIP से आप शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये दो फंड्स आप यहाँ पर रखिए, साथ ही साथ अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान भी ले सकते हैं। देखिए रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान लेने के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट ये है कि वहाँ आपका मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि आपका पैसा थोड़ा सा वहाँ कम रिस्क में इन्वेस्ट होता है, इसलिए आपको वैसे भी रिटायरमेंट तक के लिए अपनी SIP चलानी है। देखिए 2 SIP आप रख लीजिए अलग से, जिनको 1% आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन एक आप रख लीजिए अपने बिल्कुल टिल रिटायरमेंट तक के लिए, आप उसमें रख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड भी ले सकते हैं और आप SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड भी ले सकते हैं। दो फंड्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दोनों फंड्स काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए बात करते हैं SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो तो SBI पर ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। चलिए SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, SBI रिटायरमेंट के नाम से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे आपको इतने से आप समझ जाएंगे। यहाँ आप SIP डायरेक्टली शुरू कीजिए, 6000 रुपये महीना। बहुत ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने की मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है, आप कुछ गिने चुने फंड्स रखेंगे वही आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स बनाकर दे सकते हैं। बाकी आप कितने भी फंड्स रख लीजिए, अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं है तो सभी फंड्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही देंगे। पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखिए, बहुत ज़्यादा फंड्स मत रखिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए अब SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की मैं बात करूँ, फंड साइज़ 2116 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2116 करोड़ रुपए का फ़ंड साइज़ है। चलिए सीधा बात करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट किस तरह से किया गया है। देखिए यहाँ भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरह ही फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पैसे को घटा बढ़ा कहीं भी सकते हैं, तो यहाँ लार्ज कैप का लोकेशन सबसे ज़्यादा रखा गया है, 53.49% लार्ज कैप, 53.49% पैसा आपका लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में जाएगा, मिड कैप में जाएगा 29.53% और स्मॉल कैप
स्मॉल कैप में जाएगा 11.25%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन आपके इस फंड में किया जाएगा। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ रिटायरमेंट फंड की। देखिए यहाँ लॉक इन 5 ईयर्स है, आपकी पर SIP 5 ईयर्स के लिए लॉक होगी, लेकिन जैसे ही आपकी एज 60 की हो जाएगी तो फिर आपका ये लॉक इन ख़त्म हो जाएगा और अपने पैसे को आप रिडीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, फंड की एज मैं आपको बताऊँ केवल 3 साल है। इन 3 साल के रिटर्न्स की मैं आपको बताऊँ, 3 साल में CAGR रिटर्न्स अगर आप देखें तो 22.62% के CAGR रिटर्न्स हमें इस फंड ने जनरेट करके दिए हैं, तो काफ़ी बढ़िया फंड है। देखिए स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, किन स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, SDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो काफ़ी बड़े फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। और इसीलिए ये फंड सजेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, खास करके जिनकी एज 45 to 50 तक जा रही है, कि अपने पैसे को स्मॉल कैप में एलोकेशन कम रखें और लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ एलोकेशन अपने पैसे का बढ़ाएं। रिटायरमेंट सॉल्यूशन फंड का भी यही बेनिफिट है कि यहाँ लार्ज कैप में आपके पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप इस तरह से देखिए 3 फंड्स आप ले सकते हैं, 2000, 2000 और 6000। टोटल SIP आपकी यहाँ पर 10,000 रुपये महीना की इस तरह से बन जाती है। और अगर आप थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जिस तरह से पराग परिक फ्लेक्सी कैप है और आपका ये स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया या SBI, आप इनमें स्टेप अप भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी अगर आप नहीं लगाना चाहते, आप 10-10% का स्टेप अप लगा कर भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग 24% से ज़्यादा के रिटर्न्स फंड्स ने बनाकर दिए हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स में आपको बताऊँ लास्ट के 10 ईयर्स में कितने हमें देखने को मिले हैं वो देख लेते हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो पराग परिक मुझे वाकई बहुत अच्छा फंड लगता है, क्योंकि फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। फंड साइज़ अगर आप देखेंगे 55,000 करोड़ तक इसका फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है। देखिए लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो लगभग 21% के 20.99 लगभग 21% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो तीनों फंड्स में अगर आप देखें तो रिटर्न्स आपको 20% से ज़्यादा के ही देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से SIP अपने स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर आपको यहाँ हो जाएगा कि कितना अमाउंट आपको रिटायरमेंट तक देखने को मिल सकता है। देखिए टोटल आपका जो SIP अमाउंट है वो हो जाएगा 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना का आपका टोटल यहाँ पर SIP अमाउंट बन रहा है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, रिटर्न्स देखिए तीनों SIP में आपने देखा कि 20% से भी ज़्यादा के आपको रिटर्न्स देखने को मिले हैं पास्ट में। फ्यूचर में देखिए रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है फ्लेक्सी कैप के बढ़ जाएं, स्मॉल कैप के कम हो जाएं, या रिटायरमेंट प्लान के कम ज़्यादा हो जाएं, तो आप एक औसत रिटर्न मानकर चलिए। अगर आपको 16% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, ड्यूरेशन देखिए ड्यूरेशन आपकी 15 ईयर्स की है, तो इन 15 ईयर्स में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा और आपके पैसे की फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है, उसके लिए SIP कैलकुलेटर की थोड़ी सी यहाँ हेल्प लेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा जनरेट यहाँ से किया जा सकता है। चलिए SIP अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये महीना। रिटर्न्स मैंने यहाँ पर 16% के एग्जाम्पल के लिए रखे हैं और टाइम पीरियड रखा है 15 साल का। 10,000 एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैंने यहाँ पर 16% के रखे हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए, और पीरियड हो जाएगा हमारा 15 ईयर्स का। 10,000 चलिए देखिए यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18,00,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 18,00,000 रुपए का, और जो पैसे की वैल्यू फाइनली आपको देखने को मिल सकती है 74 लाख आपको देखने को मिल सकती है, 74 लाख की वैल्यू। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए अगर आप ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 15 ईयर्स से, ड्यूरेशन आप मान लीजिए आपको रिटायरमेंट पर भी आपको पैसा मिलेगा, आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा
एक्स्ट्रा टाइम और चला दें, इसको आप 15 से 20 साल तक आप इसको चला दें, तो यही वैल्यू जो आपका रिटर्न है वो इसके आगे 1 करोड़ और जुड़ जाएगा। इतना रिटर्न्स भी आपको म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकता है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बाकी वीडियोस में भी अपने बताता हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो आप कम पैसों से भी एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो, और अगर प्लानिंग हमारी सही नहीं है तो ज़्यादा पैसों से भी आप बहुत ज़्यादा आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए प्लानिंग अच्छे से कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।